तेलंगाना में सड़क हादसे में मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। तेलंगाना में सड़क हादसे में अब तक 57 लोगों की मौत हो गई। जगतियाल जिले में कोंडागढ़ घाट की ढलान पर स्टेट रोडवेज की बस के ब्रेक फेल हो गए, जिसके बाद बस खाई में गिर गई। बस में करीब 90 लोग सवार थे, जो हनुमान मंदिर से दर्शन कर लौट रहे थे। मरने वालों में 36 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। 30 लोग घायल हैं, जिनका स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। सीएम के चंद्रशेखर राव ने मारे गए लोगों के परिवार वालों को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने भी हादसे पर शोक जताया है। पीएम ने कहा, उनकी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है।